मैंने बना लिया है, सालन मुकम्मल तैयार हो चुका है। ये देखिए अरबी के पत्ते, अरबी के पत्ते। तो और जो भी हमारा व्लॉग है हम दिखाते रहेंगे कि हमारी जो अब की रूटीन है क्या है। मेहमान तो हमारे चले गए और अब हमने जाना है मकान देखने के लिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सुबह चाबी ले ले आप और अब आके मकान देखें। खुद हम देखा है और मैं भी अब जाने लगी हूँ मकान देखने के लिए। खुद हम बाहर गए किसी काम से, जैसे 5 मिनट तक आ जाते हैं फिर मैं जाती हूँ और वीडियो बना के ले कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की, क्योंकि उसमें भी फैमिली रह दी हमारे मकान खुद रह रहे हैं। तो देखते हैं जी, अगर उन्होंने हमें वीडियो बनाने दी तो मैं इंशाल्लाह सब बहन भाई के साथ शेयर करूंगी। मैंने इसका मैंने काट लिए हुए हैं और ठंडे होने के लिए। कैक्शा और मोहम्मद अब हम सब जा रहे हैं मकान देखने के लिए, तो चलते हैं। मकान की बात डन हो गई है, सिर्फ इनको ये दिखाना है कि अंदर क्या कुछ है। सही है, चलें ठीक है, क्योंकि देख के नहीं पड़ता है ना, ऐसे तो नहीं ना। नहीं, मकान मैंने देख के तो लिया है जी, लेकिन अब आपको सिर्फ दिखाना है कि इसमें ये मकान है ये कुछ। ठीक है, डन हो गया है। कोशिश करूंगी वहाँ की वीडियो बनाने की अगर बन सके, क्योंकि वहाँ पे भी मालिक मकान रहते हैं। चुकी है बहुत तेज, खुद की दौड़े लगी हुई है क्योंकि बाहर सब लेटे हुए थे इसलिए। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो हमारी हो गई है सुबह और इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे बादल बहुत जबरदस्त हैं अभी भी सुबह के टाइम। और अब आज आपको दिखाते हैं हम अपनी नाश्ते की रूटीन, और आज हमने करनी है शिफ्टिंग मकान की, यहाँ से आज से स्टार्ट कर देनी है। तो वो भी आज आपको इंशाल्लाह लाजमी शेयर करेंगे आपके। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, क्या हाल चाल है आपका? मैं ठीक ठाक, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन भाई भी ठीक ठाक होंगे। तो जी हमारी हो चुकी है सुबह और अब मैं बना रही हूँ चाय, चाय भी बना रही हूँ और साथ में नाश्ता बनाने लगी हूँ कि सबने नाश्ता करना है, तो उसके बाद सबने सामान पैकिंग में लग जाना है हमने। और आज का जो हमारा ब्लॉग है वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। उधर रहना बाजी आटा गूंद रही है और मोहम्मद कुल्फी खा रहे हैं सुबह सुबह के टाइम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक ठाक होंगे। तो जी ये खुश रहे, आबाद रहे। हाँ, तो ये जी रियाना बाजी ने गूंद लिया है आटा, आटा बड़ा जबरदस्त मुलायम गूंद रहा है बाजी ने, बहुत मुलायम। वाह जी वाह, पराठे जी जी, आज तो खाने को मिलेंगे पराठे। पहले नहीं मिलते, कभी कभी मिलते हैं पहले। ये इसके ऊपर छापी ढक के जा रही है ना कि मक्खियां ना लगे। सही, आज तो जी यहाँ मक्खियाँ भी बहुत हो रही हुई हैं, लेकिन कल हमने जो मकान देखा वहाँ मक्खी का नामो निशान भी नहीं है। वो पता ही नहीं है मक्खी का कि वहाँ मक्खी भी है या नहीं, यहाँ शहर में मक्खी बहुत ज्यादा है। ये शायद ये जो हमारा जो ये रोड है यहाँ जहाँ पर जो ये झुग्गी वाले बैठे हुए वहाँ साथ ही कचरे का ढेर भी है, शायद उसकी वजह से ना हो यहाँ। तो जी माशाल्लाह पराठों की तैयारियाँ हो गई शुरू और पराठे मैडम ने बनाने शुरू कर दिए हैं। नहीं यार मजेदार भी होते हैं, ये बात ना करो कि नहीं बनते, बनते हैं सब, सब बनते हैं, सब खाते हैं लोग, लेकिन बहुत मजेदार होते हैं। मुझसे नहीं बनते, मुझे शुरू से आदत बनी है वाई पराठे की। कोई नहीं, इसकी भी आदत बन जाएगी। जैसे वो उसके क्रिस्पी क्रिस्पी बनते थे ना, इसके नहीं बनते। लेकिन एक चीज है वो जो है हजम नहीं होते थे, ये हजम हो जाते हैं, जलन नहीं पैदा करते, ऐसे ही है जी जी। प्लस ये दूसरा भी तैयार हो रहा है जी जी। सलाम भी करते हैं अभी तो, कहीं हम भी ठीक है। अच्छा आपने भी सलाम किया जी। मम्मा जी कर रही हैं सालन अरबी के पत्ते। अरबी के पत्ते अब गर्म कर रही हूँ मैं, के नाश्ते में सब खाएंगे। और पराठे मैंने अभी धोधे छोड़ दिए। वाह जी वाह, खुशबू भी बड़ी प्यारी है, खुशबू भी बड़ी प्यारी है। शुक्र वैसे आग भी और लगी अच्छे से। आए जिस बहन भाई ने मसा नाश्ता करना आए और नाश्ता करे हमारे साथ। मक्खियों ने वैसे असर किया हुआ,
मच्छर तो बहुत बुरा हाल किया है, तो भी दिमाग चाहते हो तो दिमाग खोलना शुरू कर दिया है खुद हमने, और यहाँ से ऊपर से कपड़े भी उतार लेते हैं। ये खड़ी है उधर से खींच ली है हमने, और अब सामान सारा समेटना शुरू हो चुके हैं। जिधर जिया होना शुरू हुई है और बहुत अच्छे से हम इकट्ठे रहते थे एक मोहल्ले में एक जगह पे, अच्छी दोस्ती हमारी थी और अब भी है इंशाल्लाह, बहन है और रहेंगी। तो मैं बाजी को समझा रही हूँ कि बाजी ना रहो, हमें अच्छे से रुखसत करें इस घर से, तो इंशा करो अल्लाह मियां हमें कोई अपना घर दे दे, कोई ऐसी चाहे वहीं दे दे जहां जा रहे हैं, वहां कोई आसपास वहां जमीनें तो बहुत पड़ी हैं, लेकिन कोई अल्लाह मियां हमारा कोई ऐसा असबाब बना दे जिससे हम अपना घर वहां बना सके। बाजी ये था हमारे लिए किराए का घर ना, यूं समझो हमारी तो यहाँ मुसाफिर वाली जिंदगी है, ये कल भी हमारा नहीं था, आज भी हमारा नहीं और आइंदा भी हमारा नहीं होगा। बस दुआ ये करो कि अल्लाह भी हमें अपना घर दे। हमारे तो घर दुआ है और क्या कर सकते, दुआएं कर सकते हैं अभी आपको अल्लाह भी आपका घर दे दे। कभी भी कुछ होता था दूसरे के पास इंसान भाग के भाग जाता है जी। बेड पे से सब सामान हमने उठा लिया, बेड अब खोलने लगे हैं, दूसरा बेड तो खुल चुका है और सामान बाकी जो है कपड़े शपड़े ये भी बांध रहे हैं, और अभी तो पेटी भी खाली होनी है, सेफ अलमारी मैंने खाली कर ली है। तो बहुत मुश्किल है एक घर से दूसरे घर जाना, कहते ना आशियाना अपना हो तो टेंशन नहीं होती, लेकिन किराए का घर है कोई पता नहीं होता कब खाली करवा लें कब ना करवाए, बस कुछ नहीं कह सकते। और बाजी अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो मैं माफ करना, बाकी जो इंसान ना इंशाल्लाह मिलते रहेंगे, ज्यादा दूर नहीं है, वो कहते इंसान का दिल दूर ना हो। तो आज अगर मेरी सब मोहल्ले के साथ अच्छी ना बनी होती है मेरे जाने पे सब ना रो रहे होते मेरे बहन भाई, क्या हमारा खलूस सबके साथ ऐसा था, बाजी खुद ही बता सकती है। बिल्कुल था, बहन भाई जैसा ही था, ठीक है। बस मैं मुझे इस गाल का दुख है, मेरा एक बेटा बीमार है, जैसे मेरा दिल दुखी होता था मैं आपके घर मेरे घर आ जाती थी, और मेरा यहाँ कौन है, कोई नहीं, दूर नहीं है, बाजी नजदीक, फिर आ जाए करेंगे आपके पास, आप भी आ जाए करना जिस दिन दिल किया रक्षा पकड़ा आ गए। बाकी दुआ करें अल्लाह ताला हमारे लिए अच्छा जवाब बनाए, और वो घर हमें जो हमने रेंट पे लिया है कि उसके बाद हम अपने घर में जाए, कि अल्लाह ताला हमारे लिए इतना वसीला अपने घर से हमें बना दे कि हम अपने घर में जाए, क्योंकि किराएदारों की कोई जिंदगी नहीं है। अल्लाह ताला हमारा इतना बाजू पकड़ ले, इस चैनल के जरिए हमारे इतना बाजू पकड़ ले कि चले हम अपना एक ठिकाना बना सके। और मैं आई भी चैनल पे इसीलिए थी कि मैं अपने बच्चों का एक घर बना सकूं। इसमें रख दिए हुए कुछ, इसमें रखे हुए और अभी भी कुछ बर्तन ये पास पड़े हुए, सारा सामान अभी बिखरा बिखरा पड़ा, इसमें रख दिए हुए कुछ, इसमें रखे हुए और अभी भी कुछ बर्तन ये पास पड़े हुए, सारा सामान अभी बिखरा बिखरा पड़ा। बाजी लगी हुई है अपने काम पे, अब सामान सारा इकट्ठा कर रहे हैं, अभी पेटी सारी खाली करनी है ना हमने मिलकर, अब सारी इतना बीच में सामान है सारा वो भी डालेंगे ना, अभी बेड और कुछ सामान चरपाइयां वगैरह यहाँ से जा चुकी हैं, और बाकी भी काफी सामान बाकी है, तो अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। पेटी वगैरह रखी ही थी और ये भी खाली हो चुका है, यहाँ से सेफ अलमारी उठ चुकी है, ड्रेसिंग बच गया हुआ बस, और बाइद का सामान है अभी ये वाला कुछ रह गया हुआ, इधर रियाना बाजी बैठी हुई है, इधर का बेड चला गया और ड्रेसिंग और ये शोकेस रहता है अभी, चले कोई नहीं सारा काम होता रहेगा इंशाल्लाह। और ये भी सामान बंधा हुआ है, ये कपड़े मैंने बाकी उठ रहा है सामान सारा, सही है फिर तो क्या ओन मोहम्मद सालन, और क्या कहते हैं मसाला भून रही हूँ, अरबी मैंने तल के निकाल ली हुई है घी में क्योंकि इसकी लेस नहीं रहती फिर, और ये बैंगन अरबी बैंगन आज बना दी है। जब अन्ना बाजी आ गई है दूध लेके गर्म करने के लिए, क्योंकि सब अपने कामों में मगन है, जल्दी से सामान पहुंचाना है वहाँ पे। मुझे पका रही है रोटी, अन्ना भी साथ लगी है मेरे, तो कुछ सामान चला गया कुछ रहता है।
काफी हद तक तो चला गया, बस थोड़ा बहुत रह गया। फ्रिज रह गया, कूलर पंखे रह गया, वॉशिंग मशीन रह गई है, और दो ड्रेसिंग रह गए। ड्रेसिंग एक दोनों ड्रेसिंग रहते हैं ना अभी, एक रह गया भाई, चला गया। बड़े कमरे वाला चला गया ड्रेसिंग के, दोनों के रहते हैं ड्रेसिंग, दोनों ड्रेसिंग रहते हैं। शोकेस गया बड़े वाला भी, और किचन के बर्तन भी, किचन के भी बर्तन भी यहीं पे ही हैं। कोई जो शिफ्टिंग आज हो गई है, बाकी कल कर लेंगे। अभी ऑल बैंगन बनाया है क्योंकि खाना भी लाजमी है। कमरों में हो गया होगा आलम। अभी हमारा ये सामान थोड़ा सा अभी है जो हमने है उठाना, और ये है, ये कमरा भी तकरीबन हो चुका है खाली। और अभी हमारे पंखे और ये बल्ब और ये थोड़ी कुर्सियां वगैरह बाकी है। अब यहाँ से फ्रिज भी जा चुका है बेचारा, उसकी बाकियात यहाँ भी बाकी हैं जो हमने निकालनी है यहाँ से। हमारा भरा हुआ होता था हरा भरा किचन जो है वो इस वक्त वीराने की दे रहा है शक्ल, और बिल्कुल वीरान हो चुका है हमारा किचन। ये मेरी मैडम चाय पी रहे हम, और सामान चला गया सारा। आज रात हम तो नहीं पीएंगे क्योंकि कुछ सामान अभी बाकी है, कल चाबी दे देंगे मालिक को। जी जी, तो बस अल्लाह खैर रखेगा, टेंशन नहीं लिया करते। फिर बैठ के चाय पी रहे हैं। आज फिर हमारा आखिरी खाना था यहाँ का, ये तो है। ये रिक्शे हमारे जो है लोड हो चुके हैं, कुछ वो सामान लोड हो चुका है इसमें। अभी जो है तीन रिक्शे जा चुके हैं, दो ये हैं और कुछ सामान अभी बाकी है।